रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट? आई होप सो यू आर ऑल फाइन। डियर स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पेज नंबर 45 तक सारा सॉल्व किया था। मैंने आपसे बोला था कि हम पेज नंबर 45 के आपने एटलीस्ट 5 पार्ट अपनी नीट कॉपीज़ पर करने हैं और 4 पार्ट आपने खुद सॉल्व करने हैं। इससे प्रीवियस पेज नंबर अगर आप देखें तो पेज नंबर 44 पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 तो सॉल्व कर लिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दिया था, इसको हमने सॉल्व नहीं किया था। सो आज हम पहले पेज नंबर 44 पे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं कि यूज़ सब्ट्रैक्शन टू आंसर दीज, के हम माइनस करके इनका आंसर निकालें, सब्ट्रैक्ट करके। सो क्वेश्चन क्या है कि जिब्रान हैज़ 32 ट्वाइस ही गेव अवे 17 टू एन, जिब्रान हैज़ 32 ट्वाइस ही गेव अवे 17 टू एन और ऑर्फेंस, हाउ मैनी आर लेफ्ट? करेंगे, इसके पास 32 थे, इसमें से 17 इसने दे दी, तो इसके पास कितने लेफ्ट हो गए, कितने बच गए। सो हम 32 में से जब 17 को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने रिमेनिंग हैं। सो अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 32 ट्वाइस हैं, तो हम 32 इधर लिख लेंगे। ओके, 17 जो है वो अगर किसी को कोई चीज़ दे, अगर हमारे पास हम 17 किसी को कुछ दे देंगे तो हम क्या करेंगे, हम 32 में से 17 को माइनस करेंगे। ओके, 17 इसने दे दिए, सो हम जब इसे माइनस करेंगे तो अब 2 में से 7 माइनस नहीं हो सकता है, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस नहीं हो सकती है। सो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास 3 है इसमें से हम 1 इधर बोरो करेंगे। सो जब हम 1 इधर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 12, और जब 3 में से 1 उधर जाएगा तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास ओनली 2, यहाँ हमारे पास 12 हो जाएगा। सो अब हम 12 में से 7 को माइनस करते हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले 12 लाइंस लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने 7 माइनस करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 माइनस कर देंगे, कट कर देंगे। हाउ मैनी लाइंस आर लेफ्ट, हमारे पास कितनी लाइंस रह गई हैं, 1 2 3 4 5 रह गई हैं, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। सो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 है, 2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये बाकी सारे पार्ट सॉल्व करने हैं, मैंने बाकी सारे पार्ट सॉल्व कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से ये बाकी सारा काम अपनी नीट कॉपीज़ पर करना है, अपनी नोटबुक पर करना है। सो अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो था पेज नंबर 45, ये आप सॉल्व कर चुके हैं, माइनस के क्वेश्चन थे। अगर आप देखें तो आगे हमारे पास पेज नंबर 46 और 47 पर भी एज इट इज़ ही माइनस के ही क्वेश्चन है, लेकिन एक मैं चले फिर भी सॉल्व कर देती हूँ। अब हमारा 2 में से 4 माइनस नहीं हो सकता है, तो हम 8 में से 1 वंस के कॉलम में लेकर आएंगे, तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा। जब हम 12 में से 4 माइनस करेंगे, आप लाइंस लगा के देख लें, अगर हम 12 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 बच जाएगा। अब देखें यहाँ पर 8 था, 8 में से 1 हमने इधर, 8 में से 1 इधर चला गया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया, 7, 7 में से अगर 5 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब 200 कॉलम में हमारे पास 2 है, 2 में से कुछ भी माइनस नहीं हो सकता, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इसके बाकी सारे पार्ट सॉल्व होंगे, आपने इसमें से भी एटलीस्ट 5 पार्ट अपनी नीट कॉपीज़ पर सॉल्व करने हैं। पेज नंबर 47 पर भी एज इट इज़ क्वेश्चन है, ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे, ये भी आप अपनी नोटबुक पर 5 पार्ट नोटबुक पर और बाकी सारे पार्ट अपनी नीट से बुक पर ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 49 पर भी एज इट इज़ है, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आप अपना काम खुद ही सॉल्व करेंगे, पहले बुक पर करेंगे और उसके बाद इसमें से भी 5 पार्ट आप अपनी नीट कॉपीज़ पर सॉल्व करेंगे। ये सारे माइनस के एज इट इज़ क्वेश्चन एक जैसे ही तकरीबन आ रहे हैं, ये इसीलिए आपको बार बार दिए गए हैं कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो, या आपने अपना काम खुद ही करना है, पहले बुक पर और उसके बाद आपने 5-5 पार्ट अपनी नीट कॉपीज़ पर सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 50 जो है ये आप सिर्फ अपनी बुक पर ही सॉल्व करेंगे, ये आप अपनी नीट कॉपीज़ पर सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन पेज नंबर 51 जो है ये आप अपनी नीट कॉपीज़ पर भी सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 51 में क्या कह रहे हैं, कंप्लीट देन चेक, कह रहे हैं कि पहले सॉल्व करें उसके बाद आप चेक करें कि हमारे पास आंसर ठीक आया है कि नहीं। अब देखें ये हमारे पास था, हमने 35 में से 47 को माइनस किया तो हमारे पास ये 82 आंसर आ गया। जब आपके पास कोई आंसर आ जाएगा तो आप इस आंसर में से जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें से कोई वैल्यू को, जो आंसर है उसमें से आप चाहे इस वैल्यू को माइनस करें या चाहे इस वैल्यू को माइनस करें, अगर इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, और अगर इस वैल्यू को करेंगे, अगर इस वैल्यू को करेंगे तो आंसर हमारा ये वाली वैल्यू आएगा। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्लस, अगर हम प्लस कर रहे हैं तो जब हम फिर चेक करेंगे तो माइनस करेंगे, लेकिन अगर हमें माइनस करने का दिया हुआ है तो जब हम चेक करेंगे तो हम फिर प्लस करेंगे। अब देखें ये हमारा आंसर आया, तो जब हम चेक करेंगे तो हम आंसर लिखेंगे सबसे पहले। अब इन दोनों, ये वाली वैल्यूज़ या ये वाली वैल्यू, इन वैल्यूज़ में से जो हमारा दिल करे हम वैल्यू ले लेंगे। सो बुक वालों ने ये वाली वैल्यू ली हुई है, ये वाली वैल्यू ली हुई है, अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो आंसर हमारा ये आना चाहिए 3 और 5। माइनस करके देख लेते हैं, 2 में से 7 माइनस नहीं हो सकता है, तो हम 8 में से 1 इधर
बोरो करेंगे। 12 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ 8 है, 8 में से 1 उधर गया तो यहाँ हमारे पास रह गया 7। 7 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब देखें आप, हमारा आंसर यही आया है 3, 5। इट्स मीन कि हमारा ये, हमने जो ये सॉल्व किया है ये बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। बिल्कुल इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9 में 0 प्लस करें 9 ही आएगा, 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने आपसे क्या बोला था चेक करने के लिए, हम क्या करते हैं जो आंसर आता है सबसे पहले वो लिखते हैं। जो आंसर आया हमने सबसे पहले वो लिख लिया। अब इन वैल्यूज़ में से चाहे तो आप ये वाली वैल्यू लें, चाहे तो आप ये वाली वैल्यू लें, ये आपकी मर्ज़ी है। हम पहली वाली वैल्यू ले लेते हैं, हम 50 ले लेते हैं। अब जो हमारा आंसर आना चाहिए वो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। 9 में से 0 माइनस करें, किसी भी वैल्यूज़ में से जब 0 माइनस करेंगे तो वो वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी, 9 आ जाएगा। 8 में से जब 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब देखें आप, यही चीज़ हमारे पास आ गई है। बिल्कुल इसी तरीके से सी डी ई और एफ पार्ट आप सॉल्व करेंगे। ये आपने अपने सारे, ये सारे पार्ट्स आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर सॉल्व करने हैं। उसके बाद आ जाता है आपकी ये एक्टिविटी कह लें, मतलब बैलून्स वाली। सो इसमें भी यही है कि आपने, आपको मिक्स क्वेश्चन दिए हैं एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मतलब ऐड करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, ये वाले क्वेश्चन है, ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर थ्री कम्प्लीट हो चुका है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। आप जो जो क्वेश्चन मैंने आपसे बोला गया आपने नीट कॉपीज़ पर करने हैं, वो आपने अपनी नीट कॉपीज़ पर करने हैं। और कुछ और सॉल्व सारे आपने बुक पर तो सारे सॉल्व करने ही हैं, लेकिन उनमें सेटिस्फाई 5 पार्ट अपनी नीट कॉपीज़ पर सॉल्व करेंगे। आई होप सो डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।